पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे गुरमत संगीत चेयर और गुरमत संगीत विभाग विखे स्थापित संत सुचा सिंह आर्काइव्स ऑफ म्यूजिक दी इस रिकॉर्डिंग वास्ते अज साडे विच तशरीफ लियाए ने गुरमत संगीत दे उस्ताद गायक उस्ताद कीर्तनीए मारतंड कीर्तनीए जिन्हां उत्ते समुची कौम नू और समुचे संगीत जगत नू माण है। मेरी मुराद है भाई साहब भाई बलबीर सिंह जी जिन्हां ने 35 वरे तों वधीक श्री हरिमंदर साहब विखे दरबार साहब की सेवा की। समुचे संगीत जगत का माण ने क्योंकि वह गुरमत संगीत के भी ज्ञाता ने और हिंदुस्तानी संगीत की जो बाकायदा तालीम है वह भी उन्होंने प्राप्त हुई है और आज पंजाबी यूनिवर्सिटी विखे पहुँचने पर असी सारे उन्होंने स्वागत करते हैं। और भाई साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है कि तुसी सानू अज दी इस रिकॉर्डिंग वास्ते इत्थे पहुँच के साडा माण वधाया सानू कृतार्थ कीता। तो सब तो पहला असी भाई साहब तो चाहांगे कि वह अपने मन पसंदी अपनी रूह नाल कोई भी ऐसी चीज़ जिहड़ी है कीर्तन की कोई ऐसी रचना सानू सुनाण जिहदे नाल असी उस विस्मादी माहौल विच आ जाईए। वाह साजनडा 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 आ आ
भाई साहब तुसी पिछलियां 7 पीढ़ियां तो उस कीर्तन की जिहड़ी अगमी दात है उस नाल सानू शरशार कर रहे हो, तो असीं सब तो पहला ये जानना चाहवांगे आप जी दे पिता जी बारे और उन्हां सारे गुणी कीर्तनियां बारे, क्योंकि संस्कारी तुसी कीर्तनी हो, कि किस तरह तुहाडे सारे परिवार विच खानदान दे विच ये कीर्तन की दात दा प्रवाह चलिया। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने साढ़े बजुर्गों नूं हुक्म कीता सी कीर्तन करो, जिस दिन रबाबी नहीं आए कीर्तन कर स्टेज ते नहीं आए, एक स्टेज वेला सी, सिख संगतां नूं महाराज ने कहा तुसी कीर्तन करो, वो नहीं आए चलो तुसी करो। साढ़े बजुर्गों ने कहा जी असीं कीर्तन तो कर लाँगे पर साज नहीं वजदे सानूं, साढ़े कोलों ये सानूं जाच नहीं। सतगुरु ने कहा कोई गल नहीं जाच ते तुसी कीर्तन करो, साज आपे तुहाडे नाल साथ देणगे। वो फिर बजुर्गों का हुक्म मन के महाराज का साडे वड्डिया ने स्टेज पर बैठना किया, उस साज नाल नाल ही अपने आप ही वजन लग गए, कीर्तन हो गया। उन्होंने नाम से श्री राम जी, उस तो बाद उन्होंने भरा जी जो कीर्तन करते उन्होंने नाम से श्री हरि जी, फिर तीसरे नंबर पर मेरे जो कीर्तन के सगे उन्होंने अमृत छकया गुरु गोबिंद सिंह जी को, उन्होंने नाम होया भाई हीरा सिंह जी। चौथे नंबर पर उन्होंने बेटे, इस तरह बेटे अगे चलते रहे, भाई हीरा सिंह जी के बेटे भाई इंद्र सिंह, उन्होंने बेटे भाई कुंदन सिंह, उन्होंने बेटे मेरे पिता जी भाई संता सिंह, दो और तीजा हीरा सिंह, चौथे इंद्र सिंह, पंजवें कुंदन सिंह, छेवें मेरे पिता जी, सतवां मैं, अठवां मेरा बेटा जो बैठा है, तो नावा इसका बेटा, वो छोटे छोटे हुणे हुणे अच्छा राग नूं अलाप करते हैं, तो मेरे को बैठ के वो भी बड़िया अच्छिया बंशा सुनाते हैं। ऐसा बहुत बहुत मुबारक है कि तुसी अपने हाथ नाल अगली पीढ़ी तक अपनी आने वाली नस्ल तक जिहड़ा कीर्तन है उसका प्रवेश करवाया, और पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी की आप दी परिवार उत्ते बहुत बख्शिश है। और भाई साहब आपके पिता जी भाई साहब संता सिंह जी, उन्हों का कीर्तन जगत के विशेष स्थान रहा और विशेष नाम रहा है, इस गल असी सारे समुची कौम आपकी ऋणी है कि तुसी पूर्वजों द्वारा दी गई विद्या नूं अगे उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। तो मैं चाहांगा कि अपने इस खानदानी संस्कारी पिछोकड़ बारे सानू होर थोड़ा विस्थार नाल चानना। मेरे पिता जी 3 भरा सन, एक मेरे ताया जी सन भाई सोहन सिंह जी, चौथे तीसरे मेरे चाचा जी सन भाई संता सिंह भाई तारा सिंह जी, पिता जी भाई संता सिंह जी, ताया जी सोहन सिंह जी, चाचा जी तारा सिंह जी। ये तिने भरा श्री तरन तारण दरबार साहब विच कीर्तन करते सन। काफ़ी समा कीर्तन करन तो बाद फिर इन्हों चीफ खालसा दीवान ने अपने खालसा प्रचारक विद्यालय जिहड़ा उत्थे है तरन तारण विच उत्थे कीर्तन सिखाण दी विद्या ते इन्हों लाया। पंडित नत्थू राम जी भी उत्थे उस वेले हुंदे सन, वह ध्रुपद की गायकी बहुत अच्छी, मैं उन्होंने को ध्रुपद गायकी भी सीखता रहा और मैं सुनता रहा पंडित जी ने कितना शानदार वो ध्रुपद गाँवते सन। उस ढंग का हूँ मैं कोई गायन गायक नहीं लगता पंडित जिस तरह पंडित जी गाँवते सन। सो वो इस तरह ताया जी मेरे बहुत अच्छे कीर्तनीय सन, अच्छे रागों गाँवते सन।